एड्रेस अपडेट पर क्लिक कर देना है। एड्रेस अपडेट पर क्लिक कर देने के बाद में इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, आपका आधार कार्ड में स्पेलिंग फादर का रॉन्ग है और एड्रेस भी गलत है। तो गाइस अगर फादर का आधार कार्ड में सही है तो गाइस फादर का आधार कार्ड का जो भी गाइस नेम और उसके बाद में एड्रेस, फादर का आधार कार्ड का जो भी गाइस एड्रेस, वो एड्रेस अपना आधार कार्ड में कैसे लगवाना है वो मैं दिखा रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को HOF बेस से आधार कार्ड करेक्शन करने के लिए और जो भी गाइस एड्रेस आपका अगर मिस्टेक है तो गाइस कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो HOF बेस से, तो इसका फुल प्रोसेस मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कैसे आप लोग अपना मोबाइल से खुद अपना आधार कार्ड का एड्रेस या तो फादर का नेम आप लोग अपना फादर का आधार कार्ड से चेंज कर सकते हो गाइस, वो प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो पर। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा गाइस, वीडियो जितना हो सके शेयर कर दीजिए, बहुत सारा को हेल्प हो सकता है। तो देखिए गाइस, अपना मदर्स का या तो अपना लीगल गार्जियन का या तो स्पोज का आधार कार्ड से या तो अपना फादर का आधार कार्ड से आप लोग अपना आधार कार्ड का एड्रेस और फादर का नेम या तो मदर का नेम या तो केयर ऑफ जो भी है कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए गाइस, यहां पर मैं दिखा रहा हूं HOF बेस्ट आधार अपडेशन का प्रोसेस वेलकम। इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, uidi.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। और देखिए गाइस, इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी गाइस तो देखिए गाइस, HOF बेस से कैसे आप लोग आधार कार्ड अपडेट कर सकते हो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वीडियो पर बन रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए गाइस, लॉग इन करना है सबसे पहले। यहाँ पर आपको ये साइट पर आने के बाद में इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर लॉग इन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉग इन पर क्लिक कर देने के बाद में देखिए गाइस, अभी क्या करना है आपको कंप्लीट देखिए, वीडियो बिना स्किप किए देखिए गाइस, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर दे दीजिए, उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा, ये कैप्चा दे दीजिए, उसके बाद लॉग इन विथ OTP कर दीजिए। मतलब आपका आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वहीं पर एक OTP जाएगा और वो OTP सिंपली आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और लॉग इन करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, मैं करके दिख रहा हूँ, आप लोग वीडियो पर बन रही है। और उसके बाद में देखिए गाइस, OTP देने के बाद में लॉग इन कर देना है। फाइनली ये लॉग इन होकर आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। अभी गाइस आप लोग अपना हेड ऑफ फैमिली बेस से, मतलब अपना पेरेंट्स का, मतलब जो भी है आधार कार्ड से अपना आधार कार्ड का करेक्शन कर सकते हो। मतलब आपका आधार कार्ड में जो भी गाइस फादर्स नेम है और जो भी आपका एड्रेस है गाइस, वो आप लोग अपडेट कर सकते हो। फादर्स का आधार कार्ड से आप लोग अपना आधार कार्ड करेक्शन कर सकते हो। देखिए गाइस, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में देखिए गाइस, यहाँ पर नीचे में, ठीक नीचे में आप लोग देख सकते हो एड्रेस अपडेट, क्लिक हियर टू अपडेट द एड्रेस ऑफ योर आधार, फॉर एनी अदर अपडेट काइंडली विजिट नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र। तो देखिए गाइस, यहाँ पर एड्रेस और आपका फादर्स का नेम यहीं से अपडेट कर सकते हो। अगर आपको दूसरा कोई अपडेट करना है तो गाइस आप लोग आधार कार्ड सेंटर जा सकते हो। उसके बाद में देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्री में आप लोग देयर दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/09/2024 तक ये फ्री है। मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस अपडेट करने के लिए फ्री है गाइस। आप लोग आके अपडेट कर सकते हो अपना एड्रेस, बिना पैसा में ही आप लोग चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए गाइस यहाँ पर दिया गया है। और आपको सिंपली एड्रेस अपडेट पर क्लिक कर देना है। एड्रेस अपडेट पर क्लिक कर देने के बाद में इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग दूसरा डॉक्यूमेंट देके अपडेट करना चाहते हो, फादर का डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, आपका फादर का खुद का, तो मतलब पेरेंट्स का, मतलब जो भी है वो आधार कार्ड में सही एड्रेस नहीं है, सही फादर का नेम नहीं है, तो गाइस आप लोग दूसरा डॉक्यूमेंट देके यहाँ से कर सकते हो। अभी दिखाने वाला हूँ गाइस आप लोगों को, इसका मैंने वीडियो बनाया है गाइस, आप लोग वीडियो चेकआउट करिए, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, अच्छे तरीके से बताया है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी गाइस ये प्रोसेस कैसे करना है अभी इसका मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आपका आधार कार्ड है और आपका आधार कार्ड में स्पेलिंग फादर का रॉन्ग है और एड्रेस भी गलत है, तो गाइस अगर फादर का आधार कार्ड में सही है तो गाइस फादर का आधार कार्ड का जो भी गाइस
नेम और उसके बाद में एड्रेस, फादर का आधार कार्ड का जो भी है एड्रेस, वो एड्रेस अपना आधार कार्ड में कैसे लगवाना है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद में सिंपली नीचे जाना है, नेक्स्ट कर देना है। अभी नेक्स्ट कर देने के बाद में देखिएगा यहाँ पर करंट डिटेल्स आएगा आपका खुद का आधार कार्ड का, जो भी आपने आधार कार्ड देके मतलब लॉग इन किया है वो आएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिटेल्स ऑफ HOF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, मतलब इंटर आधार नंबर ऑफ HOF, मतलब HOF का मतलब क्या है गाइस, फादर का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर दे देना है आपको। और उसके बाद में देखिएगा वो देने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा HOF रिलेशन आपका, मतलब लीगल गार्जियन मदर्स जो भी गाइस स्पोस सिबलिंग और लीगल गार्जियन और फादर और चाइल्ड वार्ड। तो देखिए गाइस अगर फादर का है तो गाइस फादर का, अगर मदर का है तो गाइस मदर का आप लोग लगा सकते हो अपना आधार कार्ड चेंज करने के लिए। तो देखिए इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो लगाइए और ये सेलेक्ट करिए। उसके बाद में सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर आप लोग अपना हिसाब से कोई सा भी एक आप लोग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ गाइस ये वाला, देखिए जॉब कार्ड या तो आधार कार्ड, फोटो आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट विद फोटो इशूड बाय द सेंट्रल गॉप स्टेट गॉप, देखिए गाइस यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। वरना गाइस रेशन कार्ड दे सकते हो, SC ST OBC सर्टिफिकेट दे सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन है तो गाइस वो भी दे सकते हो। तो गाइस इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास में है तो दे दीजिए। और देखिए गाइस मैं दे रहा हूँ गाइस सिंपली ये, नहीं तो गाइस डॉक्यूमेंट प्रूफ लीगल गार्जियनशिप, तो ये भी आप लोग दे सकते हो। तो आपने सबसे ये सेलेक्ट करिए, तो गाइस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ गाइस ये वाला। और ये सेलेक्ट कर देने के बाद में यहाँ पर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद में देखिए गाइस नीचे जाना है यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट कंटिन्यू टू अपलोड पर सिंपली जाना है। और कंटिन्यू टू अपलोड पर जाने के बाद में देखिए गाइस यहाँ पर जो भी गाइस डॉक्यूमेंट है आपके पास में तो वो डॉक्यूमेंट आपको सिंपली दे देना है। मान लीजिए गाइस मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस इस तरीके से आप लोग फादर का डॉक्यूमेंट देके इजीली अपलोड कर सकते हो। तो देखिए गाइस ये देने के बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है, बाद में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देने के बाद में देखिए गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, 50 rupees आपका चार्जेस रहेगा गाइस, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर टिक लगा देना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है पे यू 20 पर, और मैक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। मैक पेमेंट पर क्लिक कर देने के बाद में देखिए गाइस पेमेंट करने के लिए बोलेगा 50 rupees। तो देखिए गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पे 50 rupees। तो गाइस यहाँ पर फोन पे, गूगल पे जो भी गाइस आपके पास वो आप लोग अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। सो ऑल ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए गाइस UPI बोल के गाइस यहाँ पर नीचे में क्लिक करिए, और UPI से भी आप लोग कर सकते हो। और अगर आपको UPI से करना नहीं है तो गाइस आप लोग देखिए गाइस वॉलेट यहाँ पर जाइए और यहाँ पर फोन पे UPI देखिए गाइस यहाँ पर आप लोग क्लिक करिए, ये प्रोसीड करिए। प्रोसीड कर देने के बाद में देखिए गाइस प्रोसेसिंग योर पेमेंट हो जाएगा। अभी गाइस ये पेमेंट यहाँ पर शो कोड करना है और ये QR कोड में गाइस 8 मिनट के अंदर में पे कर देना है 50 rupees। फाइनली गाइस आपका काम बन जाएगा, इतना ही है गाइस आपका काम। और उसके बाद में देखिए गाइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और अगर रिसिप्ट नहीं आता है तो गाइस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट, ये आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और सब कुछ यहीं पर डिटेल्स में देखने को मिलेगा। अगर रिसिप्ट नहीं आया गाइस तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करने के लिए मिलेगा बाद में आपको। फिर से मैंने फर्स्ट में जिस तरीके से दिखाया था गाइस उसी तरीके से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कर देने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये है HOF बेस से आधार कार्ड अपडेशन का प्रोसेस। तो अगर आपको गाइस अपना आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं वो चेकआउट करना है तो गाइस बैंक सेटिंग स्टेटस पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट मतलब आपका बैंक नेम दिखाया जाएगा और कंग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन बोल के अब शो होगा। और इससे आप लोग पता कर सकते हो आपका आधार कार्ड में लिंक है जो भी गाइस पासबुक, जो भी बैंक अकाउंट है वो खाता। उसी तरीके से आप लोग लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो, वर्चुअल आईडी जनरेट यहाँ से कर सकते हो, पेमेंट हिस्ट्री यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, आधार अपडेशन हिस्ट्री यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, और अपडेशन का ये डाउनलोड आधार कार्ड यहाँ से कर सकते हो, और PVC कार्ड अगर स्मार्ट कार्ड ऑर्डर करना है तो गाइस यहाँ से आप लोग 50 rupees में ऑर्डर कर सकते हो। उसी तरीके से ऑफलाइन ही KYC ये है गाइस आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए गाइस यहाँ पर एक आपको
HTML मतलब एक फाइल यहाँ पर डाउनलोड होता है गाइस, ये आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए चाहिए, ये आपके लिए नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके का आपका सर्विसेज दिया गया है गाइस। ये सर्विसेज काफ़ी बढ़िया है, आप लोग आके चेकआउट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।